हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक ऑफ़र के साथ आ गया हूँ। ऑफ़र आ रहा है जिंगोय एंड ओलामनी, पेज़ैप एंड पेपल, ठीक है। तीनों तरफ से ऑफ़र है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब उसके अलावा भी फ्रेंड्स जिंगोय पर ऑफ़र चलते रहता है। जैसे देखो ना, मेरा फ्लिपकार्ट परचेज़ कुछ करोगे तो 8.47% रिवार्ड मिलेगा जिंगोय में, ओलामनी और ये अमेजोन पे भी कुछ ना कुछ 6% ऐसे फ्रेंड्स मिलते रहते, ठीक है। तो आप लोग, मैंने इससे पहले एक ऑफ़र, मैंने गिफ्ट कार्ड परचेज़ के ऊपर वीडियो बनाया था मैंने जिंगोय का, तो फ्रेंड्स वही ऑफ़र आज जिंगोय पे है, ठीक है। शॉपिंग कर सकते हो, ऑफ़र कुछ ना कुछ मिलेगा और गिफ्ट कार्ड ले, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है, फिर बाय गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट कार्ड स्टोर, इस पर क्लिक करना है। नहीं, चलो ठीक है, हाँ शायद यही होगा। अमेजोन क्लिक करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, देखो अमेजोन का गिफ्ट कार्ड आ गया, ठीक है। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर से ये गो टू कार्ड पे क्लिक करता हूँ। अगर ये अगर शो ना करे ना, अब यहाँ आके ये ना ऊपर आ बास्केट से बना हुआ है, कहाँ गया ये बास्केट से बना हुआ, इस पर क्लिक करके यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसेस टू पे भी क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अमेजोन गिफ्ट कार्ड परचेज करोगे तब वो ऑफर शो नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ पेपल का ऑफर शो करेगा। मैंने पेपल वीडियो बनाया था ना, न्यूज फर्स्ट टाइम जो यूज करेगा उसके लिए ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज कर चुका हूँ तो मुझे इस ऑफर मिलेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो, ओला मनी ऑफर अप्लाई नहीं हो रहा, मोबी क्विक तो ये भी नहीं अप्लाई हो रहा, पेजे भी अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे दोनों अप्लाई कैसे होगा ऑफर, ठीक है। तो मैं बैक करता हूँ फिर से, ठीक है फ्रेंड्स। अब जाता हूँ मैं फिर सर्च ऊपर, सर्च पे अब देखता हूँ जिंगोय, फिर सर्च करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आ गए जिंगोय, जिंगोय गिफ्ट कार्ड, इस पर क्लिक करता हूँ। अब फ्रेंड्स, आपको जिंगोय गिफ्ट कार्ड परचेज करना है, ठीक है। तो मैं आपको 200 रुपये एक गिफ्ट कार्ड परचेज करूँ, ठीक है। तो जिंगोय गिफ्ट, अगर गिफ्ट कार्ड परचेज करूँगा तो यहाँ पे ऑफर अप्लाई हो गया, ठीक है, 3 ऑफर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करे तो ऑफर डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। गो टू कार्ड पर क्लिक किया तो यहाँ से अमेजोन को ये ना ये डब्बा सारे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ, हट जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके बाद फिर कंटिन्यू क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस टू पे पे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, देखो ओला मनी का ऑफर अब अनलॉक हो गया और पेज़ैप का भी, ठीक है। मुझे क्विक नहीं हुआ, मुझे क्विक ऑफर करना नहीं है मुझे। मुझे क्विक के लिए आपको ऑफर अप्लाई करने के लिए आपको बिग बास्केट वगैरह का परचेज करके गिफ्ट कार्ड तो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ओला मनी बता दो, ठीक है, ऑफर तो डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, मिनिमम 200 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है, 220 रुपये से लेकर 220 पैसे मिलेगा, ठीक है, कुछ मिल जाएगा इसमें से। और फर्स्ट एवर ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपके ऑन जिंगोय, ठीक है, यूजिंग ओला मनी पोस्टपेड होना चाहिए, ठीक है। अगर वॉलेट बैलेंस होगा फिर तो कैसा मिलेगा इसके बारे में नहीं कह सकता, पर पोस्टपेड लिखा है तो पोस्टपेड होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फॉर्म 22 तारीख से फरवरी से वैलिड है, स्टार्ट हुआ था और 15 मार्च तक ऑफर, ठीक है। और ये ओला मनी पोस्टपेड एक्टिव यूज़र, ठीक है, इसके लिए ऑफर है। और ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, ठीक है, 3 दिन में कैसा मिलेगा। तो सेकंड ऑफर जो मैन ऑफर, इस बताता हूँ मैं, वो भी मैन ही था पर सेकंड ऑफर ये मैन, ठीक है। डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑफर है 10% कैशबैक ऑफर फॉर सेलेक्ट मर्चेंट। सेलेक्ट मर्चेंट क्या ये पता नहीं, पर मुझे लगे सेलेक्टेड मर्चेंट होगा, जो जैसे जिंगो है इस टाइप से ही। तो 1 मार्च से स्टार्ट है, 7 मार्च तक ही वैलिड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको 10% अप टू 100 पर मंथ पर ही कस्टमर ऑन पेज़ैप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ड्यूरिंग दिस ऑफर पीरियड यूजिंग पेज़ैप हैज़ पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको 100 रुपये कैसा मिलेगा पर मंथ देखा, मतलब पर मंथ मिलना चाहिए, फिर तो हर मंथ अप्लाई करना चाहिए। और मिनिमम ट्रांसफर कितना है, 200 रुपये का, ठीक है। 200 रुपये ऊपर का ट्रांसफर करोगे तो एलिजिबल कैशबैक, देखो बीकम एलिजिबल फॉर कैशबैक, ठीक है। तो मैं 200 रुपये का ट्रांसफर करूँगा सिर्फ ट्राई करने लिए, ठीक है फ्रेंड्स। कैशबैक मिल, पर कैशबैक दिक्कत देगी, 45 डेज में कैशबैक पोस्ट ट्रांजेक्शन कैशबैक मिलेगा 45 डेज में, ये फ्रेंड्स बहुत ही लेट है, मतलब 1.5 महीना होगा ऐसे सीधा। तो फ्रेंड्स, मुझे क्या, मैं ट्राई करने के लिए कर लेता हूँ। आपको फ्रेंड्स, अगर कुछ अमेजोन या फ्लिपकार्ट या पेटीएम में कुछ परचेज खरीदना हो ना करना हो तो आप खरीद सकते, पेटीएम में मत करना, 5% टैक्स लग जाता है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट या बिग बास्केट कहीं पर भी कुछ भी सामान खरीदना हो ना तो आप गिफ्ट कार्ड परचेज कर सकते हो यहाँ से। पहले जिंगोय खरीदना, जिंगोय के बाद अमेजोन या फ्लिपकार्ट, जिसके मर्जी तक खरीद सकते हो। तो 45 फ्रेंड्स बहुत दिन वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा परचेज नहीं करूँगा, सिर्फ ट्राई करने के लिए 200 परचेज करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। एवरी मंथ लिखा भी था ऊपर, क्या पता अगले महीने में आया था, ऊपर तक अप्लाई कर लूँगा।
तो फ्रेंड्स आपको KYC वेरीफाई होना जरूरी है, ठीक है। KYC वेरीफाई नहीं होगा ना तो कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आपका कैश पेजैप वॉलेट अगर प्रीपेड कार्ड अगर ब्लॉक होगा, देखो कैशबैक ये लिखा है यहाँ पे ब्लॉक पेजैप प्रीपेड कार्ड, तो कैशबैक फिर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको KYC वेरीफाई होना चाहिए, यहाँ भी लिखा हुआ कस्टमर मस्ट बी KYC वेरीफाइड यूजर, ठीक है। चाहे मिनी KYC चाहे फुल KYC वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन फ्रेंड देख लेना, ठीक है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, जो मैंने ऑफर था मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको पर्ची कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं पेजैप पे क्लिक किया, ठीक है फ्रेंड्स, पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा पेजैप वेबसाइट पे। सारा काम फ्रेंड्स मैं वेबसाइट पे कर रहा हूँ, ठीक है। वॉलेट पे क्लिक किया, फिर पेजैप को सिलेक्ट किया, पे नाउ पे क्लिक किया, पेजैप ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे फ़ोन नंबर शो कर गया, अपना पिन डाल देता हूँ, ठीक है। पिन डाल दिया, फिर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे डिवाइस पे एक OTP आएगा, OTP डालूँगा, OTP आ गए, तो OTP डाल दिया और कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। कोई प्रोमो कोड वगैरह शो तो नहीं कर रहा था, तो प्रोमो कोड लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे पास ये देखो दो दो कार्ड प्लस ऑलरेडी ऐड है, तो मेरे पास पेजैप में पेमेंट करूँगा, ठीक है। पेजैप कार्ड से मेरे पेजैप कार्ड में बैलेंस पड़े हैं, तो मैं वहीं से कन्फर्म करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पेजैप वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा 200 रुपये, और कैशबैक मिल जाएगा तो बढ़िया, ना तो फिर तो फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहूँगा आप इसके ना क्या बोलते कैशबैक कमाने के लिए आप यूज़ करो इसको, क्योंकि कुछ क्या नहीं होता। 45 डेज फ्रेंड्स बहुत ही लेट होता है, बहुत टाइम लगता है। नहीं है फ्रेंड्स एक बार ना देखो गिफ्ट कार्ड सब मिल गया है, आप मैसेज अमेजोन पर परचेज करके दिखाऊंगा लाइव, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं ना एक कोड कॉपी कर लेता हूँ और ये याद कर लेता हूँ, पिन 24/18, ठीक है, 24/18। फिर यहाँ सर्च करता हूँ अमेजोन 24/18, फिर सर्च करता हूँ अमेजोन पे क्लिक किया 24/18, 200 रुपये का प्रोडक्ट ऐड किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, गो टू कार्ड पे क्लिक किया, 24/18 था ना, हाँ। तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, प्रोसेस टू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको जो गिफ्ट कार्ड किया जिंगो परचेज किया था, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड, यहाँ पे देखो निशान आ गया। अब यहाँ पे डालना है जो मैंने पेस्ट किया था, यहाँ था 24/18, ठीक है। फिर ऐड पे है ना, ऐड एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो डन हो गया ओके करो, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। 200 देखो 200 रुपये ऐड हो गया, ठीक है, शो कर रहा था। पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, अपना डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, फिर अमेजोन आ गया, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अमेजोन एप्लीकेशन में जाता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं अमेजोन पे आ गया हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो मेरे से पहले 1504 रुपये हैं, तो मैं फिर इसमें ऐड करता हूँ, पेस्ट किया और ऐड टू बैलेंस, ठीक है। अब देखो 1704 रुपये हो गए, 200 रुपये ऐड हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था, अगर आपको आप वैसे मतलब कुछ शॉपिंग वगैरह करना हो आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो आप परचेज़ यहाँ से गिफ्ट कार्ड कर सकते हो, ठीक है। 10% 45 डेज में कैशबैक लिखा है तो मिल जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको सीरियस ना लेके सिर्फ ट्राई किया, ठीक है फ्रेंड्स। और कैशबैक जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं आपको अगर ऑफर रहेगा तो फिर मैं प्रूफ के साथ फिर भी दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ओके थैंक यू।